हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद पायल। और बिल्कुल आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली, जो बिल्कुल हमारे फास्ट की थाली है। और ऐसी थाली मिल जाए तो व्रत रहने का मज़ा ही आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। पनीर, पालक पनीर, कद्दू, पकौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी के साथ मैंने ये थाली कंप्लीट की है। तो सबसे पहले मैं पालक पनीर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी हूँ मैंने। और यहाँ पे ऑयल में मैंने पनीर डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो पहले हम पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे, थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस थाली है और बिल्कुल व्रत में अगर ऐसी थाली मिल जाए तो व्रत रहने का मज़ा ही आ जाए। और बिल्कुल जो व्रत नहीं रहना चाहते वो भी व्रत रहना शुरू कर देंगे। तो पालक पनीर के लिए मैंने पनीर फ्राई होने के लिए साइड में रख दिया है और चढ़ा दिया है दूसरी कढ़ाई। इसमें हम अपनी कद्दू की सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा मूंगफली का तेल। आप तिल का तेल या फिर देसी घी भी यूज कर सकते हैं जो आप व्रत में यूज़ करते हों। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और ग्रीन चिलीज। तो थोड़ा ये हमारा ग्रीन चिली थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे, मैंने कद्दूओं को काट लिया है और मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले कद्दू इस्तेमाल किए हैं जो मैंने छिलके के साथ ही काटे हुए हैं। बिल्कुल हमारा ग्रीन चिली भी लगभग पक ही गया है। बहुत ही सिंपल सब्जी है हमारी ये कद्दू की, पर बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए हमारा मिर्ची हो गया, अब हम इसमें कद्दू ऐड कर लेते हैं और बिल्कुल इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि धीरे धीरे हमारा कद्दू पके। और कद्दू में पानी बिल्कुल छोड़ता है तो इसलिए पानी वगैरह हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। डाल लेते हैं अपनी सीजनिंग। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है और इसे ढाक के हम धीमे आंच पे पकने के लिए रख देंगे एक साइड में। अब बना लेते हैं हम अपनी चटनी व्रत के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया, आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें डाला मैंने ज़ीरा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। तो बिल्कुल चटनी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं है। तो बिल्कुल व्रत वाली चटनी है ये। यहाँ पनीर भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं और चटनी भी हमारी पिस गई है। अब हम बना लेंगे पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों के लिए मैंने यहाँ पे लौकी और आलू बारीक काटे हुए हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ कुटू का आटा। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे नमक। और डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा ग्रीन चिलीज़, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे ऐड करते रहिए और मसल मसल के इसे बिल्कुल एक अच्छा सा आप मिक्स रेडी कर लीजिए। तो कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हों वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैंने सिर्फ लौकी और आलू डाला है इसमें और ये बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनके रेडी होती है। तो सिर्फ आप इसे चाय के टाइम पे भी बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक के तौर पे अगर व्रत में आप खाना चाहें तो। तो यहाँ पे मेरी पनीर फ्राई हो गई, अब हम इसमें पालक पनीर भी बना लेते हैं।
यहाँ पे मैंने अगेन मूंगफली का तेल डाला है, डाल लेते हैं इसमें जीरा और थोड़ी सी ग्रीन चिली या फिर आप रेड चिली डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पालक पनीर की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर है, जो सिर्फ मैंने अलग से शेयर की थी, तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं इस थाली में अगेन मैं बना रही थी तो मैंने फिर से आप लोगों से ये शेयर कर लिया है। तो जब तक हमारी मिर्ची लाल हो जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट। तो मैंने थोड़ा अदरक और रेड चिली का फाइन पेस्ट बना लिया है और मैं बिल्कुल बना कर रख लेती हूँ 9 दिन के लिए। हम हमेशा 9 दिन का व्रत रहते हैं तो बिल्कुल मैं अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ और बिल्कुल जब भी मुझे फास्ट में कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये है जिंजर और चिली पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम भून लेंगे। तो थोड़ा अच्छे से मैं इसे भून लेना है और मैं इसमें डाल रही हूँ अपना मसाला व्रत वाला, जो मैं घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। धनिया, जीरा और बाकी गरम मसाले जो हम व्रत में यूज़ करते हैं उनको मैं कढ़ाई में भून के उसका पाउडर बना के एक बहुत बढ़िया सा मसाला अपने व्रत के लिए बना कर रखती हूँ हमेशा। तो उसको मैंने डाला है और अब इसे थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है और अभी से हमें भुनना है जब तक कि ये हमारा तेल ना छोड़ दे ये टमाटर हमारा। तो बिल्कुल हमारा ऑयल जो है बिल्कुल किनारे पर नज़र आने लगेगा, तब तक हमको इसे भुनना है। तो लगभग हमारा टमाटर भुनी गया है, ऑयल आपको बबल्स नज़र आने लगे हैं इसमें। बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। तो लीजिए हमारा टमाटर भुन गया है काफ़ी अच्छे से और इसने तेल भी छोड़ दिया है। देखिए आपको किनारों पे तेल नज़र आ जाएगा, सारा तेल जो है वो किनारों पे आ गया है और इसमें बबल्स भी काफ़ी अच्छे से आने लगे हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे पालक की प्यूरी। तो पालक को मैंने उबाल के पीस लिया है ठंडा करके, उसकी प्यूरी मैंने इसमें डाली है। और बिल्कुल देखिए हमारा पालक भी भुन गया है, इसे भी हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक भुनना है। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पनीर जो हमने फ्राई करके रखी हुई है और अपना सीजनिंग, और बिल्कुल अपने ग्रेवी के अनुसार आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। अगर आपकी घर की मलाई हो तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है इसकी ग्रेवी के लिए और इसे रख देते हैं साइड में पकने के लिए। तब तक हम अपनी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। तो पकौड़ियों को भी छोटा छोटा सा आप इस तरीके से डाल दें। आप ब्रेकफास्ट में भी इन पकौड़ियों को यूज़ कर सकते हैं अगर आप व्रत रहते हैं तो, बिल्कुल चाय के साथ भी आप इन पकौड़ियों का आनंद उठा सकते हैं और चटनी के संग तो पकौड़ियों का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने चटनी तैयार कर रखी है, तो एक बार व्रत में आप इन पकौड़ियों को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर आप बिल्कुल बॉयल खाना खा के ऊब जाते हैं व्रत में तो ये थाली बिल्कुल स्पेशल आपके लिए है, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही कलरफुल। तो सारे ही कलर्स हैं हमारे थाली में, ग्रीन और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे हम तो जो बिल्कुल रेडिश होगा और हमारी पकौड़ियाँ चटनी के साथ। आप चाहें तो इसी में आप ऐड कर सकते हैं फ्रूट कस्टर्ड या रायता, लौकी का रायता या फिर खीरे का रायता, पर मैं वो यहाँ पर नहीं बना रही हूँ।
मैं सिंपल सिर्फ दही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वही हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। और यहाँ हमारी कद्दू की सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैं थोड़ा सा इसको मैश कर लिया मैंने कलछी से ही, और इसे उतार लेती हूँ। और इधर हमारी पकौड़ियाँ भी बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं, इसको भी हम पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। तो लीजिए फटाफट से, हमारा व्रत का थाली भी रेडी हो गया है, पकौड़ियाँ भी बन गई और दोनों सब्जियाँ भी लगभग हमारी तैयार हो गई हैं, कद्दू भी बन गया। और इधर अब पालक पनीर भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी बॉयल आ गया है और ये भी काफ़ी अच्छे से पक गया है, इसे भी हम उतार लेते हैं। और अब बना लेते हैं अपना आलू टमाटर फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ऑयल, और इसमें डालेंगे हम जीरा, और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, मैंने आलू टमाटर की रेसिपी एक बार और शेयर की हुई है अपने पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आलू टमाटर और साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर की है। सेम वही रेसिपी है आलू टमाटर की, तो मैं बना रही थी तो मैंने इसमें अगेन आप लोगों से शेयर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बॉयल आलू डाल लिया है, और साथ ही में मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर कटे हुए। तो अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी है साबूदाना बड़ा वाली, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है नमक और टमाटर, और इसे थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा आलू और टमाटर काफ़ी अच्छे से गल जाए, और थोड़ा थोड़ा सा इसे हम कलछी से पीट लेंगे। तो पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कुटू का आटा, और बॉयल आलू को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। पानी बहुत ही कम हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि आलू हमने डाला है, तो थोड़ा अगर आपको पानी का नीड हो तो आप उसमें डाल लें और अपना डो अच्छे से रेडी कर लें। और फटाफट से इसकी हम बना लेंगे पूड़ियाँ, छोटी छोटी सी आप पूड़ियाँ बना लीजिए। तो लीजिए हमारी पूड़ियाँ भी फूल के रेडी हो गई हैं, इन्हें निकाल लेते हैं हम। और इधर हमारी आलू टमाटर की सब्जी भी रेडी हो गई है, इसमें डाल लेते हैं हरा धनिया और बिल्कुल सर्व कर लेते हैं अपनी थाली। तो देखिए कितनी कलरफुल थाली है हमारी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए डिशेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके माय फ्रेंड्स, बाय।